नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। इस वक्त मैं रिगल मैदान में हूं जमशेदपुर में। यहां पे आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है और आदि महोत्सव में जो तमाम ट्राइबल्स हैं हमारे इंडिया के, वो अपने जो कलाकृतियां हैं, जो उनके धरोहर है, उसे यहां पे पेश कर रहे हैं। यहां पे तमाम तरह की जो आदिवासी जो खाना है वो भी उस तरफ स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे दुर्गा प्रसाद हंसदा झारखंड की ओर से कुछ वादना यंत्र को डिस्प्ले किया गया है जो कि चाकुलिया से आए हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक किस्कू। और आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम महेंद्र मुर्मू। अच्छा, तो ये आप लोग जो है खुद ही बनाते हैं या फिर क्या कुछ करते हैं? हाँ, ये हम लोग खुद ही बनाते हैं। हम लोग का गुरु है दुर्गा प्रसाद हंसदा, तो वही हम लोग को बनाना सिखाता है, बजाना सिखाता है। और बनाने के लिए भी हम लोग का टीम है गांव में, 5-6 जन मिलकर हम लोग बनाते हैं। और ये हम लोग का जो बानम है ये झारखंड मात्रा में सीमित नहीं है और ये लुप्त प्राय वाद्य यंत्र संथाल समाज का बानम है, तो हम लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इसको बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है, जैसे गम्हार, गुलची, कटहल का भी होता है, मतलब आदि ऐसे, मतलब लकड़ी है इसका, उसी से बनाते हैं। और ये जो है पहले पुराने ज़माने में ये पत्ता होता था, लंबा लंबा पत्ता, हम लोग हरीश पत्ता बोलते हैं, तो उसको पानी में भिंगा देते हैं, फिर वो ऊपर का सड़ जाता था, फिर उसका रेशा निकाल देते हैं ऐसा सेम, उसको फिर कंघी करके इस तरह से फिटिंग करते थे। उस टाइम ये घोड़े का पूंछ का ये हेयर नहीं था, तो उस टाइम ये सब यूज करते थे। अब ये भी मिलना मुश्किल हो गया, तो ये हम लोग को मार्केट में मिल रहा है, ये प्लास्टिक का है, आयरन का, जो वायलिन में यूज होता है वही लगा रहे हैं। और इसमें जो यहाँ है चमड़ा, इसमें बकरी का भी यूज करते हैं, और जो गिरगिट होता है छोटा गिरगिट, शिकार तो नहीं, कभी कभार मिल जाता है तो उससे ले लेते हैं हम, इससे बनता है। और ये धनुष ये बांस का ही है, बांस से बनाए हैं, और ये तो वही नायलॉन है। और बाकी जो ये अपना डिजाइन है जो हम लोग का दुर्गा प्रसाद हंसदा जी है ना, तो वही ये सब का आकार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह हमने बताया कि जो विवाद यंत्र है ये ट्राइबल्स का जो है धरोहर है एक तरह से, और काफ़ी हज़ारों साल से आप इसे इस्तेमाल आप लोग करते आ रहे हैं, बजाते आ रहे हैं, और अपना मनोरंजन भी करते आ रहे हैं, लोगों का मनोरंजन भी करते आ रहे हैं। और इसे बचाने के लिए, इसे संरक्षण करने के लिए जो है पुनः युवा जो है आगे आए हैं और इस तरह का जो है वाद्य यंत्र फिर से बनवा रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी है इनके गुरु हैं, उनके गुरु द्वारा इन्हें सिखाया जाता है, और जिसके गुरु ज्ञान से ये जो है इस तरह की वाद्य यंत्र को बना रहे हैं। और पुनः जो है इस तरह के शहरी क्षेत्र में या फिर मेला हो या फिर कोई ट्राइबल फेस्टिवल हो, इसमें ये लोगों को अपना धरोहर जो है दे रहे हैं, एक तरह से बेच भी रहे हैं, और आगे जो है युवाओं को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि जो है इस वाद्य यंत्र को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसे हमारे धरोहर को पीछे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि इसका संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद। जोहार।